छत्तीसगढ़ के राजिम तीर्थ को भी उज्जैन और वाराणसी की तरह विकसित किया जाएगा। वहीं राज्य के शक्तिपीठ चार धाम की तर्ज पर विकसित होंगे। इसे लेकर अफसरों को योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को बैठक ली। महानदी भवन में हुई बैठक में मंत्री अग्रवाल ने राजिम मंदिर परिसर में कॉरिडोर निर्माण के बारे में अफसरों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि परिसर भव्य, आकर्षक और गरिमामय ढंग से विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही राजिम कुंभ की तैयारियों और व्यवस्थाओं के निर्देश भी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिए। सांस्कृतिक मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शक्तिपीठ सूरजपुर के कुदरगढ़, चंद्रपुर के चंद्रहासिनी मंदिर, रतनपुर के महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर और दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर चार धाम की तरह इस योजना में विकसित होंगे। साथ ही उन्होंने अफसरों को गरियाबंद जिले के भूतेश्वर महादेव, चतमई घटारानी जलप्रपात, शिव महापीठ, सिरकट्टी आश्रम और कोपरा के कोपेश्वर महादेव को ट्राइबल परिपथ के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन पूरे प्रदेश में पूजा अर्चना और गंगा आरती का आयोजन होगा। अफसरों को श्री रामलला दर्शन योजना में प्रदेशवासियों को अयोध्या ले जाने के लिए व्यवस्थित और सुविधापूर्ण कार्य योजना भी तैयार करने को कहा गया है, जिससे कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और छत्तीसगढ़ में काइट फेस्टिवल को लेकर भी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में मकर संक्रांति के दिन भव्य पतंग उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए राज्य के साथ साथ और अन्य राज्यों के भी पतंगबाजों को आमंत्रित किया जाएगा। लोक कलाकारों द्वारा गीत संगीत का भी आयोजन किया जाएगा। तो अब छत्तीसगढ़ में भी उज्जैन और बनारस की तरह राजिम में भी भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। और इसके साथ ही 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिवाली मनाई जाएगी और काइट फेस्टिवल रायपुर में ही होने जा रहा है। तो मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।